स्वागत है आपका मिस्टीरियस सोर्स के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। यह तो हमारी दुनिया में भूत प्रेतों के घटनाएं और किस्से हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं, जिनमें से कई बार भूत प्रेत यूँ तो इंसान को विक्टिम बनाते हैं या फिर इंसानों के ऊपर हावी रहते हैं। आज का हमारा वीडियो एक ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की भूतिया घटना है जापान से। जब जापान 1970 में बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था, उसी वक्त के दरमियान एक ऐसी बाला का वहाँ पे खौफ था, एक ऐसी बाला की वहाँ पे दहशत थी जिसका नाम लेने से बच्चा बच्चा डरता था। और वो औरत सर्जिकल मास्क लगा के हाथ में कैंची लेके जापान के गलियों में अपने शिकार का वेट करती थी, और उसी बाला का नाम है कुचिसाके ओना। ये बाला आपसे ऐसा सवाल पूछेगी जिसका जवाब आपकी जान तक ले सकता है। कुचिसाके हमेशा बच्चों के सामने खड़ी रहती थी और उन्हें एक सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? अब आप सोचोगे क्या रे कैसा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपकी जान बचा भी सकता है और आपकी जान गंवा भी सकता है। अगर आपने इस सवाल का जवाब ना में दिया तो कुचिसाके आपने हाथ में पकड़ी कैंची से आपकी जान लेती है। अगर आपने इस सवाल का जवाब हमें दे दिया तो कुचिसाके अपने चेहरे से वो सर्जिकल मास्क हटाती थी और आपसे एक बार फिर से पूछती थी, क्या मैं अभी भी सुंदर दिखती हूँ? अगर आपने इसका जवाब भी हमें दे दिया फिर वो आपके चेहरे पर भी वैसा ही घाव बना देती है जैसा उसके चेहरे पर है, जिसकी वजह से आप भी उसकी तरह सुंदर दिखे। 1970 में कुचिसाके ओना का जापान में इतना सारा खौफ था कि लोग अपने बच्चों को बाहर तक खेलने नहीं भेजते थे। इतना ही नहीं तो जापान सरकार ने स्कूल के बाहर पुलिस को भी तैनात कर दिया था, जिसके वजह से कुचिसाके ओना उन बच्चों को अपना शिकार न बना सके। अब आप सोचोगे कि कुचिसाके ओना ऐसा क्यों करती थी, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। इस बात की वजह जानने के लिए हम 800 साल पीछे चलते हैं। यूँ तो कुचिसाके ओना 800 BC में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत थी और उसके खूबसूरती के किस्से बहुत ही दूर दूर तक प्रचलित थे। कुचिसाके अपने पति के साथ रहती थी जो कि पेशे से एक सामुराय था। सामुराय होने की वजह से उसे हमेशा युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ता था। एक दिन वो ऐसे ही युद्ध के लिए बाहर गया। युद्ध समाप्त होने के बाद वो सामुराय अपने घर आया। घर आने के बाद उसने देखा कि उसकी खूबसूरत पत्नी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये देख के वो सामुराय बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। क्रोध में आके उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी पत्नी के चेहरे पर एक घाव बना दिया। सामुराय के घाव से वो मर तो नहीं गई, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही भद्दा घाव बन गया। उसके बाद वो सामुराय बोला कि तुझे आप सुंदर कौन बोलेगा। ये बोल के वो सामुराय वहां से चला गया और लौटकर कभी नहीं आया। किस तरह कुचिसाके ने अपने आप को संभाला और आईने में देखा। आईने में देखने के बाद वो पूरी तरह से दंग रह गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका सुंदर चेहरा अब पूरी तरह से भद्दा और एक डरावना स्माइल जैसा बन गया। उसके बाद कुचिसाके ने अपने हाथ में कैंची ले ली और अपने आप को उस कैंची की मदद से खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से कुचिसाके का भूत 800 साल बाद 1970 में जापान में फिर से एक बार खौफ और डर का माहौल बना रहा था। लेकिन 1970 के बाद कुचिसाके का भूत पूरी तरह से जापान से गायब हो गया। आज भी जापान के लोग मानते हैं कि कुचिसाके जापान के गलियों में आज भी उसके शिकार का इंतजार करती रहती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देके हमें सुझाव भी देते रहे। आपके एक कमेंट और एक लाइक हमें इंस्पायर करती रहेगी। जाते जाते मिस्टीरियस सोर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डरावने वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।